नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम जो समझेंगे वो है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, जिसमें हम दो प्रकार के मेथड को समझेंगे। सबसे पहले थ्री ईयरली मूविंग एवरेज, इसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है जो इलस्ट्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा भी है। और आइए इसको देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर है इलस्ट्रेशन नंबर थ्री, जिसकी प्रॉब्लम द फॉलोइंग डाटा आर रिलेटेड टू टोटल सेल, सो देम ग्राफिकली एंड गिव द ट्रेंड वैल्यू बाई थ्री ईयरली मूविंग एवरेज। थ्री ईयरली मूविंग एवरेज का प्रयोग करेंगे और ट्रेंड वैल्यू की कैलकुलेशन की जाएगी। और ट्रेंड वैल्यू थ्री ईयरली मूविंग एवरेज के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम समझेंगे। यहाँ पर ईयर दिया गया है जो कि 1993 से स्टार्ट है और 2002 तक दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे सेल्स है जो इन क्रोर्स है, यानी कि करोड़ों में है। 3, 4, 8, 6 इसी प्रकार से 12 तक, यानी 12 तक दिया गया है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है इसको ऐसे की ऐसे ही सेम टू सेम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ थ्री ईयरली मूविंग एवरेज, ईयर और वो जो सेल्स है इन क्रोर्स, उसको इसी तरह से उतार दिया जाएगा सेम टू सेम इन दोनों को। इसके बाद तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा थ्री ईयरली, यानी जो थ्री ईयरली मूविंग एवरेज की हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें थ्री ईयरली मूविंग टोटल सबसे पहले होगा। थ्री ईयरली मूविंग टोटल के लिए आप ध्यान से देखेंगे कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तीन तीन का पेयर तैयार करके हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए 3, 4, 8 इन तीनों को जोड़ेंगे, 3, 4, 8, 8, 4, 12, 3, 15 इनका टोटल 15 होता है। यहाँ लिखेंगे, ऊपर एक डैश कर देंगे, ऊपर एक नंबर छोड़ के हम इसको लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम दबा लेंगे फर्स्ट नंबर को। अब आगे तीन नंबर और टोटल करेंगे 4, 8 और 6 को, तो 8, 4, 12, 6, 18 यानी 18 प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फिर इसको 4 को भी दबा लेंगे, हाइड कर लेंगे 4 को, फिर 8, 6 और 7 इन तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हुआ 21, फिर 8 को हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे, 6, 7 और 11 इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर 24। इसी तरह से हम ऊपर से एक नंबर हाइड करते रहेंगे, दबाते रहेंगे और नीचे एक तीनों का पेयर बना बना के जोड़ते चले जाएंगे। और लास्ट में ध्यान रखेंगे एक एक नंबर अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पेयर बनाएंगे 10, 14 और 12 का तो वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर फिर आगे पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हम अब 10 को दबा लेंगे, हाइड कर लेंगे तो आगे 3 तो पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये 3 ईयर्स मूविंग टोटल का हमने निर्माण कर लिया। अब जब हमने 3 ईयर मूविंग टोटल्स को बना लिया तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे सबको। 3 से डिवाइड करने के बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज प्राप्त हो जाएगा। जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज हमें प्राप्त होगा इनको 3 से डिवाइड करेंगे, 15/3, 3, 5 जब 15 यानी 3, 5 15, 5 आ गया। इसके बाद 18/3 करेंगे, 3, 6 जा 18, 6 आ गया। इसको भी 3 से, 3, 7 जा 18, 21 तो आ गया यहाँ पर 7, 3, 8 जा यानी 8 आ गया, 3, 9 जा 9 आ गया, 3, 10 जा 10 आ गया, 3 इसी प्रकार से ये जो है 3 से डिवाइड करके हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज प्राप्त हो गया। ये जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज प्राप्त हुआ है यही ट्रेंड वैल्यू है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज का प्रयोग करके हमने ट्रेंड वैल्यू निकाल लिया है। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से इसको ग्राफिकल प्रेजेंट किया गया है, ग्राफ की सहायता से इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको देखते हैं, ग्राफ से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ईयर है यहाँ पर 93 से लेके 2002 तक दे रखा है, तो जो ये
93 से 2002 तक दिया गया है, इसको हम यहाँ पर ग्राफ पे इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर ग्राफिकल एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो जो एक्स एक्सिस है इस पर हम ग्राफ में ईयर्स को पॉइंट आउट कर लेंगे। समान दूरी पर, बराबर दूरियों पर हम इस ईयर को इस तरह से पुट करेंगे कि हमारे ग्राफ पेपर पे ये ईयर 2002 तक पहुँच जरूर जाए। और इसी तरह से यहाँ पर जब हम इन नंबरों का ग्राफ प्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट दो को ध्यान रखिए। हाईएस्ट इसमें है 14 और लोवेस्ट है 3। इसका मतलब है 3 और 14 से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पर गैप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे। 0 से 2, इन्होंने 2 का गैप लिया है, 5 का भी ले सकते हैं परंतु 5 ज़्यादा बड़ा गैप हो जाएगा क्योंकि हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जितना ही अधिक मात्रा में हैं। तो 0 से 2, 2 से 4, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हमारा मैक्सिमम मार्क्स है जो दिया गया है मैक्सिमम नंबर। तो सबसे पहले देखिए 93 में हमारा जो डाटा है वो क्या है, वो 3 है। तो 93 में 3 है तो 93 के सामने पहुंचेंगे, ये है 93। 93 के ठीक सामने देख रहे हैं आप, 3 पे जाएंगे तो इधर से तो हम ईयर लेके चलेंगे और इधर से अपनी संख्याओं को लेके चलेंगे, सेल्स वॉल्यूम को। 93 में 3 कहाँ पहुँचेगा, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद अगला नंबर 94 में 4 है, तो 94 इधर से चलेंगे और 4 इधर से चलेंगे, तो जब 94 इधर से चलेंगे तो ऐसे आएंगे और 4 इधर से आएगा तो यहाँ मैच करेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद 95 8 है तो 95 ये रहा और इधर से हम 95 की ओर से ऐसे आगे बढ़ेंगे और ठीक 8 के सामने पहुँचेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से फिर 96 पर जाएंगे, 96 पर 6 है, 96 ये रहा और ऐसे ऐसे पहुँचेंगे और 6 के ठीक सामने जाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद 97 पे 7 है तो 97 ये रहा और 97 के बाद 7 इसमें 6 और 7 के बीच में आएगा, जाहिर है कि यहाँ पड़ेगा, तो ठीक इसी के सामने जाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो इसी प्रकार से फिर ये जो हमने पॉइंट लगाया है इन्हीं नंबरों के अनुसार ईयर के सामने पॉइंट लगाते जाइए और फीटे की सहायता से एक स्केल ले लेंगे और उसको हम पेंसिल से इसको इस तरह से पॉइंट्स को मिलान करते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ओरिजिनल वैल्यू का डाटा प्रेजेंट हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू है जिसे ओरिजिनल डाटा बोलते हैं। इसके बाद हम ट्रेंड वैल्यू, जो ये निकाला हुआ है ये ट्रेंड वैल्यू है, तो हम ट्रेंड वैल्यू के लिए डाटा बनाएंगे यानी कि ग्राफ पेपर प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास ट्रेंड वैल्यू निकल चुका है ऑलरेडी पहले ही, तो इसके लिए हम 94 से स्टार्ट है, 94 के सामने 5 आ रहा है तो 94 पे जाइए और वहाँ पर 5 पर निशान लगाइए। 94 पहुँचते हैं और 5 यहाँ आता है, 4 और 5 के बीच में है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर 95 में जाएंगे, 8 पर निशान लगाएंगे, 95 ये रहा और इधर से 8, तो 95 ऐसे चलेगा और इधर से 95 के सामने आ रहा है 6 आ रहा है, 95 के सामने जाइए ए ऐसे और 6 ये रहा, इसी के सामने आकर के यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। फिर 96 के सामने जाएंगे, 96 सामने 7 है तो 96 ये रहा, 96 सामने 7, 7 6 और 8 के बीच में यहाँ पड़ेगा और इधर से आकर के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से जैसे हमने इसका बनाया था ओरिजिनल वैल्यू सेल्स का, सेम टू सेम इसका भी बनाएंगे मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड वैल्यू का, इसे ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं। 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो प्राप्त हुआ है ट्रेंड वैल्यू है। फिर इसको हम फीटे की सहायता से एक स्केल ले लेंगे और पेंसिल से इसको डॉट डॉट करके इसको मार्क आउट कर लेंगे। इसके बाद जब इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो जो हमारी डार्क लाइन है इसको ओरिजिनल डाटा और जो डॉट डॉट है उसको ट्रेंड वैल्यू के नाम से प्रेजेंट कर देंगे। इस प्रकार से ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज के द्वारा मेथड का प्रयोग करके ट्रेंड वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 4 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा जाए तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल बिल्कुल रेडी है। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, वैसे इजी है लेकिन समझने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, परंतु अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है ये। इसके बारे में बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, परंतु ये हार्ड उतना नहीं है जितना सोचा जाता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने लिया है ये वाला एग्जांपल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू अकॉर्डिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज।
यहाँ पर ईयर है 95, 96, 97, 98 से लेकर के 2003 तक, और वैल्यूज है 506 से लेके 663, यानी कि 506 से लेके 663 नंबर तक लिखा गया है। सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ फोर ईयरली मूविंग एवरेज, ईयर और इंडेक्स नंबर दिया गया, वैल्यू, इस वैल्यू को इंडेक्स नंबर से नोट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला कॉलम ईयर का और दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर का, यानी कि इस वैल्यू का है। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जब फोर ईयरली मूविंग एवरेज का हम ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जब इस डाटा को पुट करेंगे ईयर को, तो एक लाइन को छोड़ छोड़ के इसको लिखा जाएगा। अगर एक लाइन को छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा, अगर हम इसको लाइन नहीं छोड़ेंगे तो ये काफ़ी हद तक हार्ड हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ईयर और उसके बाद ये वैल्यू, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दो डाटा को छोड़ करके, यानी 506 और 620 को छोड़ के यहाँ पर एक एरो लगाएंगे, और इस एरो लगाने का सिलसिला हर एक के बीच में होता चला जाएगा लगातार इस तरह से, और लास्ट में ये दो नंबर छूट जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से एरो लगाएंगे इन सब के बीच में, ऊपर से दो छूट जाएगा और नीचे से भी दो छूट जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि अब इसके आगे अगला स्टेप क्या है, इसको हम फोर ईयरली मूविंग एवरेज बना रहे हैं, तो फोर का पेयर बनेगा, फोर नंबर्स को आप काउंट करिए, 506 यानी 506, 506, 620, 1036 एंड 673, 673, 1036, 620, 506, इन चारों को जोड़ेंगे और फर्स्ट एरो के सामने लिख देंगे, इसका नाम होगा फोर ईयरली मूविंग टोटल्स, क्योंकि हमने चार साल को टोटल किया है, एक दो तीन चार, इन चारों को जोड़ेंगे और फर्स्ट एरो के सामने लिख देंगे। इसके बाद इसको दबा लीजिए, यानी हाइड कर लीजिए 506 को। अब आगे फिर फोर नंबर्स लीजिए, बिल्कुल थर्ड जो थ्री ईयरली मूविंग एवरेज था उसी जैसा है ये, इसको 620 को, 1036 को, 673 को, 588, 620, 1036, 673 एंड 588, ये फोर नंबर्स हो गए, चार नंबर हो गए, इन चारों को जोड़ के इस सेकंड पेयर उसके एरो के सामने लिखिए 2917। इसके बाद सेकंड नंबर को भी हाइड कीजिए, फिर आगे फिर चार नंबर लीजिए 1036, 673 एंड 588 एंड 696, इन चारों को जोड़ के आप नेक्स्ट एरो के सामने लिखिए, किसके सामने लिखेंगे, इसके सामने, यहाँ पे 673 और 588 के सामने 2993, 2993। इसके बाद इसी तरह से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, एक को छोड़ा, अब यहाँ दबा लिया हमने इसको, फिर हम एक दो तीन चार, इसको चारों को जोड़ेंगे, फिर अगली एरो के सामने लिखेंगे, फिर इसको दबा लेंगे, हाइड कर लेंगे, फिर इन चारों को जोड़ेंगे, इस एरो के सामने लिखेंगे, फिर इन चारों को जोड़ेंगे, लास्ट एरो के सामने लिख देंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि इनके हमने फोर ईयर्स के पेयर तैयार कर लिए। फोर ईयर्स का जब पेयर तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद इस फोर ईयरली मूविंग टोटल्स को यहाँ पर बीच में एक एक एरो फिर लगाएंगे। ध्यान रहेगा एरो इनके बीच में ही आना चाहिए, इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम। फिर इनको दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और फर्स्ट एरो के सामने लिख देंगे, फिर इसको हाइड कर लेंगे, दबा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, सेकंड एरो के सामने लिखेंगे, फिर इसको हाइड कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, थर्ड एरो के सामने लिखेंगे, फिर इसको हाइड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फोर्थ एरो के सामने लिखेंगे, फिर इसको हाइड कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट एरो के सामने लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, पहले हमने फोर फोर के पेयर बनाए, फिर फोर का हमने डबल किया तो एट का हो गया, फोर टू जो एट हुआ, तो अब लास्ट में यहाँ लिखा है मूविंग टोटल ऑफ पेयर्स, जो हमने मूविंग टोटल किया था उसका पेयर बना लिया, यानी डबल कर लिया जोड़ के। तो अब ये जो नंबर आया है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो हमें 4 ईयरली मूविंग एवरेज प्राप्त हो जाएगा। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 738.8 और 758.3, 776.4 एंड 793.9, ये हमारा
फॉर ईयरली मूविंग एवरेज, यानी कि यही ट्रेंड वैल्यू है फॉर ईयरली मूविंग एवरेज मेथड का प्रयोग करके। हालांकि इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं मांगा गया है, अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मांगता तो हम इसके जैसा ही बनाते। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रकार से फोर ईयरली और थ्री ईयरली मूविंग एवरेज टाइम सीरीज के अंदर कैलकुलेट किया, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इसको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पर एजुकेशन की सुविधाएँ नहीं है। यह संभव तभी हो सकता है जब आप इसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।